महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 1952 से 2022 तक यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड और कई अन्य क्षेत्रों के साथ साथ राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में सेवा की। 53 संप्रभु राष्ट्रों का समूह जिसमें कई पूर्व शामिल हैं ब्रिटिश प्रदेश, अपने लगभग सभी लंबे शासनकाल के लिए बेहद लोकप्रिय रानी को उनके औपचारिक कर्तव्यों के अलावा सरकार और राजनीतिक मामलों में गंभीर रुचि लेने के लिए जाना जाता था और उन्हें राजशाही के कई पहलुओं के आधुनिकीकरण का श्रेय दिया जाता था। सितंबर 2015 में एलिजाबेथ ने इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले ब्रिटिश सम्राट बनने के लिए महारानी विक्टोरिया उनकी परदादी द्वारा निर्धारित सिंहासन पर 63 साल और 216 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। फरवरी 2022 में एलिजाबेथ ने राष्ट्रमंडल के लिए अपनी सेवा के 7 दशकों को चिन्हित करते हुए अपनी प्लैटिनम जयंती मनाई। जब 21 अप्रैल 1926 को प्रिंस अल्बर्ट ड्यूक ऑफ यॉर्क की बड़ी बेटी एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी और उनकी पत्नी लेडी एलिजाबेथ बोवेसली उनका जन्म हुआ तो जाहिर तौर पर उनके पास सिंहासन संभालने की बहुत कम संभावना थी क्योंकि उनके पिता छोटे थे, किंग जॉर्ज पंचम के पुत्र। लेकिन 1936 के अंत में उनके चाचा किंग एडवर्ड द्वितीय ने एक अमेरिकी तलाकशुदा वालिस सिंह पसंद से शादी करने के लिए त्याग दिया। नतीजतन उसके पिता किंग जॉर्ज वीआई बन गए और 10 वर्षीय लिलिबेट, जैसा कि वह परिवार के भीतर जानी जाती थी, सिंहासन के उत्तराधिकारी बन गए। हालांकि उसने अपना अधिकांश बचपन नानी के साथ बिताया। राजकुमारी एलिजाबेथ उसकी मां से बहुत प्रभावित थी जिसने उसे एक धर्मनिष्ठ ईसाई धर्म के साथ साथ शाही जीवन की मांगों की गहरी समझ पैदा की। उनकी दादी क्वीन मैरी किंग जॉर्ज पंचम की पत्नी ने भी एलिजाबेथ और उनकी छोटी बहन मार्गरेट को शाही शिष्टाचार के बेहतर बिंदुओं में निर्देश दिया। निजी ट्यूटर्स द्वारा शिक्षित ब्रिटिश इतिहास और कानून पर जोर देने के साथ राजकुमारी ने संगीत का भी अध्ययन किया और धारा प्रवाह फ्रेंच बोलना सीखा। उन्होंने गर्ल गाइड गर्ल स्काउट्स के ब्रिटिश समकक्ष के रूप में प्रशिक्षण लिया और घोड़ों के लिए आजीवन जुनून विकसित किया। रानी के रूप में उन्होंने कई अच्छे नस्ल के घोड़े रखे और अक्सर रेसिंग और प्रजनन कार्यक्रमों में भाग लिया। पेम्ब्रोक वेल्श कोर्गीज के लिए एलिजाबेथ का प्रसिद्ध लगाव भी बचपन में शुरू हुआ था और उसके शासनकाल के दौरान उसके पास 30 से अधिक कोर्गीज थे। एलिजाबेथ और मार्गरेट ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने माता पिता से अलग रहकर लंदन के बाहर मध्ययुगीन के लिए विंडसर कैसल में रॉयल लॉज में बिताया। 1942 में राजा ने 500 ग्रेनेडियर गार्ड्स एक रॉयल आर्मी रेजिमेंट में एलिजाबेथ को मानद कर्नल बनाया। 2 साल बाद उन्होंने उसे प्रिवी काउंसिल और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया जिससे वे देश से बाहर होने पर उसकी ओर से कार्य कर सके। 1947 में शाही परिवार के दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया की आधिकारिक यात्रा से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने नरेश के राजकुमार फिलिप, उनके तीसरे चचेरे भाई, दोनों महारानी विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट के पर पोते थे और एक लेफ्टिनेंट के साथ एलिजाबेथ की सगाई की घोषणा की। रॉयल नेवी में जब वो केवल 13 वर्ष की थी तब उसने उस पर अपनी नजरें गड़ा दी थी और युद्ध के दौरान यात्राओं और पत्राचार के माध्यम से उनके संबंध विकसित हुए। हालांकि शाही मंडली में कई लोग फिलिप को उसके पैसे की कमी और विदेशी जर्मन रक्त के कारण एक नासमझ जोड़ी के रूप में देखते थे, एलिजाबेथ गृहस्थी और बहुत प्यार में थी। उसने और फिलिप ने 20 नवंबर 1947 को वेस्टमिंस्टर एब्बे में शादी की। उनके पहले बेटे चार्ल्स वेल्स के राजकुमार फिर किंग चार्ल्स आई का जन्म 1948 में हुआ था। एक बेटी एनी राजकुमारी रॉयल 2 साल बाद आई। महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप की तीसरी संतान और दूसरे बेटे प्रिंस साजियो का जन्म 1960 में हुआ था और दंपत्ति के सबसे छोटे बच्चे प्रिंस एडवर्ड का जन्म 1964 में हुआ था। एलिजाबेथ और फिलिप का विवाह साधारण 73 वर्षों के लिए हुआ था जब तक कि अप्रैल 2021 में 99 वर्ष की आयु में राजकुमार की मृत्यु नहीं हो गई। 1951 में अपने पिता के स्वास्थ्य में गिरावट के साथ एलिजाबेथ ने विभिन्न राज्य कार्यों में उनके लिए कदम रखा। उस क्रिसमस को शाही परिवार के साथ बिताने के बाद एलिजाबेथ और फिलिप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर चले गए। रास्ते में केन्या में एक पड़ाव बना। वे 6 फरवरी 1952 को केन्या में थे जबकि जॉर्ज वीआई की 56 वर्ष की आयु में फेफड़ों के कैंसर से मृत्यु हो गई
और उनकी 25 वर्षीय बेटी ब्रिटिश सिंहासन पर चढ़ने वाली इतिहास की छठी महिला बन गई। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के रूप में उनका औपचारिक राज्याभिषेक 2 जून 1953 को वेस्टमिंस्टर एबे में हुआ। अपने शासनकाल के पहले दशक में एलिजाबेथ रानी के रूप में अपनी भूमिका में बस गई। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल अपने शासनकाल के दौरान वह 15 प्रधानमंत्रियों में से पहली के साथ काम करेगी के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित कर रही थी। स्वेज संकट में एक विदेशी मामलों की आपदा का सामना कर रही थी 1956 की और विदेशों में कई राज्य यात्राएं की। प्रेस में की गई आलोचना के जवाब में रानी ने 1957 में पहली बार अपने वार्षिक क्रिसमस प्रसारण को टेलीविजन पर प्रसारित करने सहित अपनी और राजशाही की छवि को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाए। एलिजाबेथ और फिलिप के 2 और बच्चे थे, एड्रियू जन्म 1960 और एडवर्ड जन्म 1964 1968 में। चार्ल्स को औपचारिक रूप से वेल्स के राजकुमार के रूप में निवेश किया गया था, जो उनकी उम्र के आने और किंग इन वेटिंग के रूप में एक लंबी अवधि की शुरुआत को चिन्हित करता है। 1977 में महारानी एलिजाबेथ की रजत जयंती, जिसने सिंहासन पर अपने 25 वर्ष पूरे किए, आर्थिक संघर्षों के युग में एक उज्जवल स्थान साबित हुआ। हमेशा एक जोरदार यात्री, उसने इस अवसर को चिन्हित करने के लिए एक दंडात्मक कार्यक्रम रखा, जिसमें द्वीप राष्ट्रों फिजी और टोंगा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, ब्रिटिश वेस्ट इंडीज और कनाडा सहित राष्ट्रमंडल के आसपास लगभग 56,000 मील की यात्रा की। 1981 में सभी की निगाहें एक बार फिर शाही परिवार पर थीं, क्योंकि प्रिंस चार्ल्स ने लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल में लेडी डायना स्पेंसर से शादी की थी। हालांकि इस जोड़े ने जल्द ही 2 बेटों विलियम और हैरी का स्वागत किया, उनकी शादी जल्दी ही टूट गई, जिससे रानी और पूरे शाही परिवार के लिए काफी सार्वजनिक शर्मिंदगी हुई। 1992 में एलिजाबेथ के सिंहासन पर 40वें वर्ष और उसके परिवार के एनेस हॉरिबिलिस उस नवंबर में दिए गए एक भाषण के अनुसार चार्ल्स और डायना और प्रिंस एंड्रयू और उनकी पत्नी सारा फर्ग्यूसन दोनों अलग हो गए, जबकि राजकुमारी एनी और उनके पति मार्क फिलिप्स तलाकशुदा। महारानी एलिजाबेथ की कुल संपत्ति उसी वर्ष विंडसर कैसल में भी आग लग गई और शाही निवास को बहाल करने के लिए सरकारी धन के उपयोग पर सार्वजनिक चिल्लाहट के बीच महारानी एलिजाबेथ ने अपनी निजी आय पर करों का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। ब्रिटिश कानून द्वारा इसकी आवश्यकता नहीं थी, हालांकि कुछ पहले के राजाओं ने भी ऐसा किया था। उस समय उनकी व्यक्तिगत संपत्ति का अनुमान $11.7 बिलियन था। एक अन्य आधुनिकीकरण उपाय में वह बकिंघम पैलेस में राज्य के कमरे को प्रवेश शुल्क के लिए जनता के लिए खोलने के लिए भी सहमत हुई। जब वह निवास में नहीं थी 1996 में चार्ल्स और डायना के तलाक के बाद डायना ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय जनता के बीच अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय रही। अगले वर्ष उसकी दुखद मौत ने सदमे और शोक की जबरदस्त लहर पैदा कर दी। साथ ही शाही परिवार में इस बात के लिए नाराजगी जताई कि जनता ने पीपल्स प्रिंसेस के बीमार व्यवहार के रूप में क्या देखा। हालांकि महारानी एलिजाबेथ ने शुरू में परिवार प्रिंस विलियम और हैरी सहित को बालमोरल में लोगों की नजरों से दूर रखा, लेकिन डायना की मौत पर अभूतपूर्व सार्वजनिक प्रतिक्रिया ने उन्हें लंदन लौटने, डायना के बारे में टेलीविजन भाषण देने, शोक मनाने वालों का अभिवादन करने और यूनियन जैक को अनुमति देने के लिए मना लिया। बकिंघम पैलेस के ऊपर आधा झुका हुआ उड़ना। एक आधुनिक राजशाही 21वीं सदी के पहले दशक के दौरान रानी की और पूरे शाही परिवार की लोकप्रियता फिर से बढ़ गई। हालांकि 2002 में महारानी एलिजाबेथ की स्वर्ण जयंती सिंहासन पर 50 वर्ष उनकी मां प्रिय रानी मां की मृत्यु और उस वर्ष की शुरुआत में बहन ने समारोहों पर एक पल डाला। 2005 में रानी ने सार्वजनिक समर्थन का आनंद लिया जब उन्होंने अपने लंबे समय से प्यार कैमिला पार्कर बाउल्स के लिए प्रिंस चार्ल्स की एक बार अकल्पनीय शादी के लिए अपनी सहमति दी। सिंहासन पर अपने 7वें दशक में महारानी एलिजाबेथ ने अप्रैल 2011 में वेस्टमिंस्टर एबे में प्रिंस विलियम की कैथरीन मिडलटन से एक और शाही शादी की धूमधाम और परिस्थितियों की अध्यक्षता की। ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, जो ब्रिटेन के अगले बनने की कतार में हैं, राजा और रानी ने अपने बच्चों प्रिंस जॉर्ज जन्म 2013, प्रिंसेस चार्लोट जन्म 2015 और प्रिंस लुइस जन्म 2018 के साथ उत्तराधिकार की रेखा को जारी रखा। अपनी पत्नी की ओर से लगातार उपस्थिति और अपने अधिकांश शासनकाल में ब्रिटेन के सबसे व्यस्त राजघरानों में से एक
प्रिंस फिलिप ने 2017 में 96 वर्ष की आयु में अपने शाही कर्तव्यों से इस्तीफा दे दिया। उसी वर्ष शाही जोड़े ने शादी के 70 साल पूरे होने का जश्न मनाया। ब्रिटिश राजशाही के इतिहास में उनका सबसे लंबा संघ। फिलिप का 2021 में 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मई 2018 में प्रिंस हैरी ने अमेरिकी अभिनेत्री मेघन मार्कल से शादी की, जो एक द्विवार्षिक तलाकशुदा थी, जिसे शाही परिवार ने गले लगाया था। ये दर्शाता है कि एलिजाबेथ के लंबे शासनकाल के दौरान ये कितना आधुनिक हो गया था। दंपति का 2019 में एक बेटा आर्ची माउंटबेटन विंडसर और 2021 में एक बेटी लिली बेट डायना माउंटबेटन विंडसर थी। कई बार अफवाहें उड़ी कि महारानी एलिजाबेथ एक तरफ हट जाएंगी और प्रिंस चार्ल्स को गद्दी संभालने देंगी। 2017 में उसने अपने कुछ शाही दायित्वों को सौंप दिया, जैसे कि आधिकारिक स्मरण दिवस समारोह। उसे इस अटकल को हवा दे रहा था कि वे अपने सबसे बड़े बेटे को सिंहासन देने की तैयारी कर रही थी। इसके बजाय वह सितंबर 2022 में अपने प्रिय देश के निवास बालमोरल कैसल में अपनी शांतिपूर्ण मृत्यु तक ब्रिटेन के शासन करने वाले परिवार के मुखिया पर एक सुसंगत स्थिर उपस्थिति बनी रही। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसने अपने कई आधिकारिक कर्तव्यों, सार्वजनिक उपस्थितियों को जारी रखा और अपने प्यारे कुत्तों और घोड़ों के साथ बाहर काफी समय बिताया। अपनी मृत्यु से दो दिन पहले उन्होंने आधिकारिक तौर पर एक नया प्रधानमंत्री लिज ट्रस्ट स्थापित किया। कुछ ही दिनों बाद 8 सितंबर को 96 साल की उम्र में एलिजाबेथ की मौत ने ब्रिटेन और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। प्रिंस चार्ल्स ने उन्हें किंग चार्ल्स आई के रूप में सिंहासन पर बैठाया। उनके जीवन और विरासत के 10 दिनों के राष्ट्रीय स्मरणोत्सव डैश ऑपरेशन लंदन ब्रिज के रूप में लंबे समय तक योजनाबद्ध का पालन किया गया। विशेष रूप से रानी एडिनबर्ग में सेंट चार्ल्स कैथेड्रल में एक दिन के लिए और फिर लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में 3 दिनों के लिए राज्य में लेटी रही, जिसके बाहर शौक मनाने वाले एक पंक्ति में खड़े थे जो मीलों तक फैली हुई थी। कुछ मामलों में 24 से अधिक की प्रतीक्षा में एलिजाबेथ के ताबूत को देखने के लिए घंटे 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एबे में उनके अंतिम संस्कार समारोह में विदेशी सरकारों के अनुमानित 100 प्रमुखों ने भाग लिया। वेलिंगटन आर्क के जुलूस के बाद, जिसके दौरान बिग बेन ने टोल लिया, रानी के ताबूत को विंडसर कैसल में सेंट जॉर्ज चैपल में उसके अंतिम विश्राम स्थल तक ले जाया गया। एलिजाबेथ को अदालती जीवन में सादगी के पक्ष में जाना जाता था और पारंपरिक और औपचारिक कर्तव्यों से अलग सरकारी व्यवसाय में गंभीर और सुचित रुचि लेने के लिए भी जाना जाता था। निजी तौर पर वो एक उत्सुक घुड़सवार बन गई। वह घुड़दौड़ रखती थी, अक्सर दौड़ में भाग लेती थी और समय समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका में केंटकी स्टड फार्म का दौरा करती थी। उनकी वित्तीय और संपत्ति ने उन्हें दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से